रेल क्यों बंद है कभी सोचा? आप क्या समझते हैं रेल कोरोना की वजह से बंद है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हद दर्जे के मासूम हैं। जब हर तरह का ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है तो रेल चलाने में क्या दिक्कत है? मेट्रो रेल चल सकती है, निजी ट्रेन चल सकती है, ऑटो चल सकते हैं, रिक्शा चल सकते हैं, निजी बस चल सकती है, सरकारी बस चल सकती है, बाजार खुल सकता है, चुनाव प्रचार हो सकता है, शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं और सिनेमा हॉल भी खुल सकते हैं, तो आम रेल क्यों नहीं चल सकती? हो सकता है जब रेल चलेंगी तो ये आपकी भारतीय रेल नहीं हो, अडानी रेल हो। कभी आपने सोचा कि हर रेलवे स्टेशन के बाहर वाली दुकानों, ढाबों, पार्किंग, बूट पॉलिश वालों का क्या हुआ? स्टेशन के वेंडर कहाँ गए, कुली कहाँ गए, बुक स्टॉल कहाँ गए? सब बेरोजगार हो गए। कोई ऑटो चला रहा है तो कोई ई रिक्शा, कोई ईंट गारा ढो रहा है। अब स्टेशन दोबारा ऐसे आबाद नहीं होंगे जैसे कोरोना से पहले आबाद थे। इन पर कॉरपोरेट का कब्जा होगा। आप टहलते हुए स्टेशन नहीं जा सकेंगे। सभी सुविधाएं पैसे से मिलेंगी। कॉरपोरेट तय करेगा किस कीमत में आपको क्या मिलेगा। मासिक पास बंद, सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट खत्म, हर तरह की छूट खत्म। आंखें खोलो, देश गुलामी की तरफ अग्रसर है। देश बिक रहा है, रेल भी बिकेगी।